सीएमओ सीवीएम त्रिपाठी व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नित्यानंद चौधरी को मैनेज कर डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने में मशगूल है, जबकि अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह मामला सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर तहसील क्षेत्र में स्थित सीएससी का है, जिनका हाल बुरा है, मतलब यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं कादीपुर सीएससी की बदहाली सुर्खियों में है। यहां पर डॉक्टर और महिला स्टाफ की तैनाती भले ही हो चुकी है, लेकिन दूर दराज से आए हुए मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ता है। मरीज के तीमारदार इलाज के लिए डॉक्टर का इंतजार करते नजर आते हैं। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूप से फ्लॉप हो चुकी है, जबकि इस समय वायरल फीवर व गंभीर रूप से आए हुए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के दास हफ्ते में सिर्फ दो ही दिन बैठते हैं। चिकित्सा अधीक्षक की मिलीभगत के कारण रजिस्टर पर एंट्री भी हो जाती है। आज मीडिया कर्मियों के द्वारा जब कादीपुर सीएससी का निरीक्षण किया गया, तो उस समय लगभग 10:15 बजे तक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नित्यानंद चौधरी को छोड़कर कोई भी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे थे। डेंटल विभाग में ताला लटका हुआ नजर आया, तो वही दूसरी तरफ एक्सरे रूम में तैनात एक्सरे टेक्नीशियन मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते हुए नजर आए। जब इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार कहा है कि डॉक्टर आर के दास को, लेकिन उनकी आदत प्राइवेट प्रैक्टिस की जो बन चुकी है, वह स्वयं का नर्सिंग होम अम्बेडकर नगर जनपद में चलाने में मशगूल। दास क्या वो छुट्टी पे हैं आज? इन्होंने कहा है, तो सर अभी तक यहाँ गए 5 तारीख को, लोगों ने कहा 10 तारीख कल भी आए थे सर, कल भी नहीं आए। हाँ, कोई एप्लीकेशन आपको कुछ सूचना पूर्व में? कुछ नहीं सर। डॉक्टर डेंटल विभाग के सभी लोग छुट्टी पे हैं। वहीं हॉस्पिटल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि यहां पर 50 कर्मचारियों की तैनाती है, लेकिन मौके पर लगभग 8 से 10 कर्मचारी ही आपको नजर आएंगे। संविदा पर तैनात सफाई कर्मचारी बैठकर वेतन ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते हर महीने लगभग लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है, और विभाग आंख मूंद कर बैठा है। जब इस संबंध में मीडिया कर्मियों के द्वारा सीएमओ सीवीएम त्रिपाठी से फोन पर वार्ता की गई, और यहां पर हमेशा गायब रहने वाले डॉक्टर दास के बारे में जानकारी करनी चाहिए, तो सीएमओ ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि इसकी जिम्मेदारी चिकित्सा अधीक्षक की, आप चिकित्सा अधीक्षक से बात कर लें।